नमस्कार किसान भाइयों किसान भाइयों एक टेक्निकल है फिप्रोलिन और इसका प्रयोग आप धड़ल्ले से करते हैं बुआई के समय भी और उसके बाद जो लिक्विड होता है उसका स्प्रे भी लगाते हैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं इस टेक्निकल का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है ये कीटनाशक है कीटों की रोकथाम करता है लेकिन अन्य कई काम भी ये करता है जो छुपे हुए हैं उनकी जानकारी मैं देने वाला हूँ लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको ये देने वाला हूँ कि ये जो दानेदार आता है किसान भाई ज़्यादातर बुआई के समय उसका प्रयोग करते हैं और जो लिक्विड होता है उसका स्प्रे फिर करते ही रहते हैं लेकिन इसका जो गन्ने का पूरा जीवन चक्र होता है उसमें केवल एक साल में एक बार स्प्रे करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार स्प्रे करना चाहिए और एक बार जो बुआई के समय दानेदार होता है बुआई के टाइम देना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए वरना इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि इसका खामियाजा आखिर कैसे भुगतना पड़ सकता है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें चलिए किसान भाइयों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो दानेदार आता है पॉइंट तीन परसेंट जो दानेदार होता है जी आर इसमें फिप्रोलिन होती है जिसे रिजेंट बोलते हैं और अभी तो ये डबल भी हो गया है पॉइंट छः परसेंट में भी आने लगी है और ज़्यादातर पॉइंट छः परसेंट का ही इस्तेमाल गन्ना बुआई के समय दानेदार करते हैं एक चीज़ और भी है इफको कंपनी की सिरा सागी आती है इसमें चालीस परसेंट फिप्रोलिन होती है और चालीस परसेंट इमिरा होती है इसका प्रयोग भी धड़ल्ले से करते हैं कई बार किसान भाई जब गन्ने की बुआई करते हैं तो उस पर स्प्रे भी कर देते हैं और बाद में भी करते हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फिफ्रवरी होता है जब आप इसकी लिक्विड की स्प्रे करोगे तो गन्ना पौधे हालांकि ये कीटनाशक है लेकिन किसान भाई इसका प्रयोग ज़्यादा इसलिए करता है और सिरा सागी का भी इसीलिए प्रयोग करता है क्योंकि इससे गन्ने पर हरापन भी आता है पत्तियां चौड़ी भी होती हैं गन्ने की बढ़वार भी तेज़ी के साथ होती है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है ये बात बिल्कुल सही है कीटनाशक होने के बावजूद भी ये जो फिप्रोलिन होती है इससे गन्ने पर गहरा हरापन आता है कारण इसका क्या है जबकि की ये कीटनाशक है इसका कारण ये है कि हमारी जो ज़मीन होती है उसमें जैसे कि डीएपी होती है फास्फोरस होती है वो पूरी की पूरी हमारी गन्ना फसल को नहीं मिलती वो ऐसे ही मान के चलिए कि आधी आपके गन्ना फसल को मिल गई आधी ऐसे ही पड़ी रहती है इसके साथ ही कैल्शियम भी होता है पोटास भी होता है कई तरह के खाद ऐसे होते हैं जो जब तक गन्ना फसल की जड़ों तक नहीं जाते वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो जो ये समझ लीजिए कि हमारा जो आधा खाद है वो हमारी जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे हम लगाते हैं और आधा खाद हमारी गन्ना फसल को मिल जाता है फिप्रोलिन क्या करता है जो फिप्रोलिन टेक्निकल है ये जो हमारी जमीन में ये जो खाद एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं उनको खींच करके ये आपकी गन्ना फसल तक लाता है गन्ने की जड़ों तक लाता है और जो सारा हमारा आधा खाद वेस्ट पड़ा हुआ है उस खाद को भी ये गन्ना फसल में लग जाता है गन्ना की फसल तक आ जाता है जड़ों के माध्यम से अब एक साल जैसे ही आपने पिप्रोलिन लगाई लिक्विड का स्प्रे करा तो एक साल तो अच्छा रिजल्ट आएगा और आप कहोगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन जब अगली साल होगा तो हमारी ज़मीन में जो ताकत है वो कमज़ोर होती चली जाएगी और यदि हम एक स्प्रे करते हैं उसके बाद दूसरा स्प्रे करते हैं फिर तीसरा स्प्रे करते हैं तो एक साल में ही हमारी जो ज़मीन में एक्स्ट्रा जो खाद पड़े हुए हैं वो उसी साल लग जाएंगे और आने वाले जो साल होंगे उसमें हमारी जो फसल होगी वो कमज़ोर होती चली जाएगी और आप ऐसा अनुभव भी करते होंगे और देख भी रहे होंगे कि जो काम सिरा सा एक साल पहले साल आप लगाते हो वो रिजल्ट देगी दूसरी साल वो ऐसा रिजल्ट नहीं देगी यदि पहली साल आपने कई बार इसकी स्प्रे कर दी है कारण इसका वही है कि जो फिप्रिन होती है जो हमारी जमीन में ताकत होती है वो पूरी की पूरी यदि हम ज्यादा मात्रा में इसका स्प्रे करते चले जाते हैं तो वो पौधे को मिल जाती है फसल अच्छी होगी लेकिन आने आने वाले सालों में वो ऐसा रिजल्ट नहीं देगी तो मैंने इसी की जानकारी दी है किसान भाइयों इसका आपको ध्यान रखना है इसका आप एक बार बुआई में इस्तेमाल कर ले और दूसरा यदि आप स्प्रे करना चाहें तो एक ए, एक साल में इसका एक बार ही स्प्रे करें कुछ किसान भाई सिरा सागी के अलावा भी ये अलग से भी लिक्विड में आता है तो उसका भी स्प्रे करते हैं तो वो भी एक ही स्प्रे करें उसके अलावा आप अन्य टेक्निकल का यूज़ करें कीटनाशक का यदि करना है तो अन्य टेक्निकल का यूज़ करें उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार